शिवपुरी जिले के जल संसाधन विभाग की लापरवाही के कारण घसारे में लीकेज बंद नहीं हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जिले के प्रभारी एसडीओ ब्रजेश भार्गव की है। यहां से पानी आम जनता को सप्लाई नहीं किया जाता, लेकिन लापरवाही के कारण पानी व्यर्थ बह रहा है। यदि जल्द ही लीकेज बंद नहीं किया गया तो चांद पाठा का पानी जो अप्रैल में घसारे को सप्लाई किया जाता था, वह अभी दिसम्बर माह में ही 3 दिन के लिए खोला जा रहा है। जब अप्रैल और मई में जनता को पानी कैसे दिया जाएगा और नेशनल पार्क के जीव जंतुओं के पानी कहाँ से लाया जाएगा? शुपी के? हाँ, शुपी का हूँ। मूलता निवासी यहीं के? हाँ, मूलता निवासी यहीं के। ये जो आप ये पानी ये लीकेज हो रहा है, ये जानकारी में कब से? जानकारी में तो नहीं है, मेरे को तो अभी पता चला, तो मैं तो यही देख रहा था कि पानी यहाँ से बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है, तो ऐसा पता लगा है कि दीपावली के बाद से ऐसा हुआ है कुछ। तो ये शहर की जनता के लिए समस्या तो होगी? शहर की जनता के लिए समस्या तो होगी, ये पूरा खाली हो जाएगा तो शहर की जनता पानी कैसे पिएगी? जो सामने हमको दिख रहा है यहाँ पे पानी नहीं, बहुत ज़्यादा अभी से ही हालत ये हो रही है, अगर ये समस्या बनी रही तो शहर की जनता के लिए वाकई बहुत हार्मफुल है और बहुत हानिकारक है ये चीज़। तो ये वैसे कब खोला जाता है मोरी का ये गेट? सुना कि ये 3 बार खोल दिया गया अभी। कौन सा वाला मोरी का गेट? ये पानी जो निकालते हैं ये? हाँ, तो ये खोलने का ऐसा कोई है क्या सिस्टम? इसकी जानकारी मेरे को नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, नेशनल पार्क से पता चला कि 3 बार ये खोला गया है, तो कोई